जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल तगड़ा फौजी पे। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के ई आवास योजना जो है, इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करें ऑनलाइन। इसका फ़ायदा ये है कि आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने पे आपको अपना फैमिली क्वार्टर मिलेगा रहने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम प्ले स्टोर पर जाते हैं, टाइप करते हैं ई आवास CAPF, फिर सर्च ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको सबसे ऊपर वाला लिंक जो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इसका इंटरफेस खुल जाएगा। अभी आपको बोल रहे कि ईमेल और नहीं तो फ़ोन नंबर और ये कैप्चा डालने के लिए, लेकिन हम लोग नया रजिस्ट्रेशन करूँगा तो सबसे पहले जो है इसको साइन अप कर लेते हैं। इधर देखिए साइन अप का ऑप्शन लिखा है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा नया रजिस्ट्रेशन करने के टाइम, ठीक है। तो साइन अप में मैं क्लिक करूँगा। अभी मांग रहे कि इधर देखिए यूनिट मांग रहे कौन सा डिपार्टमेंट का, तो आप असम राइफ़ल हो तो असम राइफ़ल, BSF हो तो BSF, CISF, CRPF, ITBP, NDRF, NSG, SSB, ठीक है, तरह तरह के डिपार्टमेंट हैं। तो मैं सिंपली CRPF सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मांग रहे कि फोर्स नंबर, इधर फोर्स नंबर मांग रहे, तो फोर्स नंबर मैं डाल देता हूँ। फोर्स नंबर फिलअप करने के बाद मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है, सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद जो है मेरा ये वाला ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। तो सबमिट बटन पे क्लिक करते ही ये देखिए मेरा जो है ऑटोमेटिक जो है फोर्स नंबर डालते ही मेरा नाम, मेरा डिजिग्नेशन पद, मेरा कौन सा फोर्स में हूँ, मेरा कौन सा यूनिट, ये सब जो है दिखाई दे रहा है, और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो है मेरे को डालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इधर आप देख सकते हो मेरा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सिर्फ फिलअप करने के लिए बोल रहा है, और मैं देख देख के जो है कैप्चा फिलअप कर देता हूँ। आपको सिंपली बस आपका डिपार्टमेंट चूज़ करना है, आपका फोर्स नंबर डाल दीजिएगा, इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका पूरा डिटेल्स जो है आ जाएगा। आपको बस जो जो नहीं है वो फिलअप कर देना है, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। तो मैं भी मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और एक कैप्चा फिलअप कर देता हूँ, ठीक है। सब फिलअप हो जाने के बाद आप रजिस्टर बटन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जो है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक OTP जाएगा, आप भर्ती के टाइम जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड किए हो डिपार्टमेंट को, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, ठीक है, उस OTP को इधर फिलअप कर दीजिएगा। OTP को फिलअप कर देने के बाद आपको वेरीफाई एंड रजिस्टर इधर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका जो है लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। आप लॉगिन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली 3 लाइन पर क्लिक करना है, इस 3 लाइन पर क्लिक करके आपको नीचे सबसे नीचे इधर लॉगिन दिखाई देगा, लॉगिन क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करके ही आपको इधर अपना हो सकता है ईमेल आईडी नहीं तो फ़ोन नंबर, आप दोनों में से कोई एक डाल दीजिएगा। तो मैं फ़ोन नंबर और एक कैप्चा देके डाल दूंगा, फिर साइन इन पे क्लिक करूंगा रजिस्टर होने के बाद। आप पूरा प्रोसेस देख लिए, आप जो है प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए इस वीडियो को देख के, आप अपना जो है ई आवास योजना को लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो को जो है प्लीज़ प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने CAPF दोस्तों के साथ, शेयर कीजिएगा कैसे ई आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अगला कार्रवाई में ये करता हूँ मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के। इसके बाद आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, उस OTP को इधर डाल दीजिएगा, फ़ोन नंबर और कैप्चा डालने के बाद
फिर सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ। फिर ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा।